कोविड टाइम ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हमें कोविड से मिली वो ये थी कि कभी भी अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम पे या सिर्फ एक जॉब पर अपनी इनकम के लिए डिपेंडेंट ना रहो जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम आई लॉस्ट माई जॉब मेरी तरह से देर सो मैनी पीपल जिन्होंने अपनी जॉब लूज करी थी और उस टाइम मार्केट ऐसी थी कि अगर मैं जॉब ढूंढने जाता वर वेरी लेस चांसेस कि मुझे कोई दूसरी जॉब मिलती उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मेरे पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होता तो मुझे ये कोविड का जो हिट लगा था उसका मुझे कोई फर्क ना पड़ता देर आर सो मेनी कोर्सेज इन कैनेडा जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म है दो महीने से लेकर एक साल तक में ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कैनेडा में आप ले सकते हो आप अपना एक ऑल्टरनेट करियर डेवलप कर सकते हो पैसिव इनकम डेवलप कर सकते हो अपने फुल टाइम जॉब के साथ एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सकते हैं एक इंडस्ट्री थी जो उस टाइम बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी वो थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड इतने घर बिक रहे थे और जितने घर बिक रहे थे उतनी साथ में मॉर्गेजेस भी हो रही थी उस टाइम मैंने मॉर्गेज एजेंट का कोर्स स्टार्ट किया दैट doesn't मीन कि मोर्गेज इंडस्ट्री या रियल इस्टेट इंडस्ट्री कैनेडा में हमेशा पीक पर रहेगी या रही थी आ, या कभी उसमें रिसेसन नहीं आएगा बट जितने ज़्यादा इमिग्रेंट्स कैनेडा में नए आ रहे हैं जितने लुक्रेटिव इमिग्रेंट प्रोग्राम्स कैनेडा में चल रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री या मोर्गेज इंडस्ट्री आगे आने वाले कुछ सालों में रिसेशन में जाएगी या स्लो होगी बट दैट कुड जस्ट भी आर ओपिनियन बट जो भी हम आपको अपने वीडियोज में बता रहे हैं वो सिर्फ हमारे रियल एक्सपीरियंसिस के बेस पर है तो दैट वॉज आर थॉट प्रोसेस तो मोर्गेज एजेंट का कोर्स एक ऐसा कोर्स है कैनेडा में जो आप दो महीने से लेकर छः महीने तक में मैक्सिमम खत्म कर सकते हो और उसके बाद आपको मोर्गेज एजेंट का लाइसेंस मिल जाता है एंड यू आर ऑथराइज टू डू द मोर्गेजेस थ्रू द बैंक और थ्रू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर योर क्लाइंट्स तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं कि कैसे मोर्गेज एजेंट कोर्स को अपना करियर पाथ बना सकते हैं एक ऑल्टरनेट करियर की तरह चूज कर सकते हैं किस तरीके से आप ये लाइसेंस ले सकते हैं और उसके बाद आगे क्या क्या स्कोप है तो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं इस करियर को तो अमित ये लाइसेंस लेने के लिए क्या प्री रिक्वेड हैं आपको क्या करना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए इस कोर्स में इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप 18 इयर्स या उससे ऊपर की आपकी एज होनी चाहिए आप कनाडा के रेजिडेंट होने चाहिए और जिस प्रोविंस में आप ये कोर्स कर रहे हैं लेट्स से वी आर इन ओंटेरियो तो आपका ओंटेरियो में एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए दैट्स इट नो क्वालिफिकेशन नो स्टडीज टेंथ ट्वेल्थ दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स विदाउट एनी अदर क्वालिफिकेशन आप ये कोर्स कर सकते हो सो so, एनी बडी इज हू हेज लैंडेड इन कैनेडा या फिर कैनेडा आने का प्लान कर रहे हैं एंड इफ दे आर लुकिंग फॉर अ चेंज इन देर करियर और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम दिस कुंड एंड ये कोर्स मैंने थ्री मंथस में कम्पलीट किया था सो थ्री मंथ्स में आपको एक ऑप्शन मिल जाए उससे अच्छा क्या होगा तो टोटल खर्चा कितना आता है भाई ये कोर्स करने में इस कोर्स की जो फी है दैट इज अराउंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी डॉलर जस्ट फाय स्पेनिंग थ्री हंड्रेड फिफ्टी डॉलर एंड गिविंग योर थ्री मंथस You can be a mortgage agent. Three months is the maximum time, minimum time. minimum okay. इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम टाइम है जो कि वेबसाइट बताती है, that is one week. Oh. अगर आपके पास है अगर आप दिन रात पढ़ सकते हो आप एक हफ्ते में कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम दे सकते हो तो मेन है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है अब वो आप एक हफ्ते में पढ़ के क्लियर करो तीन महीने में पढ़ के क्लियर करो या छह महीने में पढ़कर क्लियर करो राइट सो सिक्स मंथ इज द मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट द कोर्स फ्रॉम द डेट यू एनरोल इन दिस कोर्स उसके बाद लेट से फॉर सम रीजन अगर आप सिक्स मंथ्स में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपके पास दो महीने का एक्सटेंशन आप रिक्वेस्ट कर सकते हो वो मैक्सिमम टाइम होता है ओके okay. तो अब फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुरके जजन का कोर्स करना है तो मुझे अब पहला स्टेप क्या है मैं कनाडा की रेजिडेंट uh, हूँ मेरा एड्रेस है मैं अठारह साल से ऊपर हूँ तो अब मुझे कहाँ जाके एनरोल करना है सो so, एनरोल करने के लिए यू हैव डिफरेंट ऑप्शन देर आर सो मैनी कॉलेज जो ये कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं उनमें से कुछ जो पॉपुलर कॉलेज हैं उनमें से एक है इज अनदर कॉलेज हम्बर कॉलेज सेनेका कॉलेज ये सभी कोर्सेज कराते हैं So, ये जितने भी कॉलेजेस हैं दीज आर अप्रूव्ड बाय एफ एस आर ए सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी सो उनसे अप्रूव्ड कोर्स कोर्स है ये ओके okay, तो फॉर एग्जांपल एक हफ्ता दो हफ्ता या एक महीना किसी ने पढ़कर ये कोर्स कंप्लीट कर लिया नाउ व्हाट नेक्स्ट ओके उसके बाद आपको एग्जाम देना है एंड यू हैव टू स्कोर एट लीस्टी सिक्सटी परसेंट इन योर एग्जाम एग्जाम की फी है हंड्रेड डॉलर जो आप, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट फ्री मिलता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो ही आपको हंड्रेड डॉलर पे करने हैं। ओह, oh, अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर ले तो डॉलर डॉलर भी नहीं सो exactly. so, so, में यू कैन बी अ एक्टिव एजेंट दैट्स ट्रू यू कैन पास दाम यू कैन नॉट बी द मोर्गेज एजेंट बिकॉज मोर्गेज एजेंट बनना देट इज अक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने एग्जाम क्लियर कर लिया अब अगला क्या करना है ओके okay. अब जब आपने मोर्गेज का एग्जाम क्लियर कर लिया आपका नेक्स्ट टास्क रहेगा एक मोर्गेज ब्रोकरेज फॉर्म ढूंढना जो आपका लाइसेंस अप्लाई करेगी एफ में तो मोर्गेज ब्रोकरेज फॉर्म तो बहुत सारी होंगी right. तो एक कैंडिडेट uh, को ये किस पैरामीटर पे शॉर्टलिफ्ट करनी चाहिए एक मोर्गेज ब्रोकरेज फॉर्म क्योंकि बहुत सारी मोर्गेज ब्रोकरेज फार्म के बहुत अलग अलग चार्जेस होंगे अलग अलग फीचर्स होंगे राइट द शॉर्टलिस्टिंग फैक्टर्स मोर्गेज ब्रोकरेज डिसाइड करने के लिए कुड़ बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कुछ मेन फैक्टर्स है जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे डेव अ ने क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे जब आप उनको बताओगे कि आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो दे शुड बी सेटिस्फाइड विद द नेम दे शुड नो द नेम ओके सेकेंड थिंग आप ये देखेंगे कि आप जो मोर्गेज ब्रोकरेज ज्वाइन करने जा रहे हैं उनका क्लाइंट बेस क्या है उनके पास कितने बैंक हैं कितने प्राइवेट लैंडर्स हैं डू दे हैव अ वेराइटी आप वो चीज चेक करेंगे थर्ड थिंग आप चेक करेंगे कि उनका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है क्या वो आपको स्टार्ट करने के बाद कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे फोर्थ थिंग कुड बी सपोर्ट विच यू नीड वेन यू बिकम अ मॉर्गेज एजेंट आपको डेफिनेटली इनिशियली तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होगा लेटर ऑन विद द एक्सपीरियंस यू माइट नॉट नीड एनी सपोर्ट बट ये इनिशियल स्टेज पे अगर एक मोर्गेज ब्रोकरेज फार्म आपको सपोर्ट नहीं दे रही है इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू फिफ्थ थिंग जो आपने चेक करनी है वट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दोज कंपनीज आर यूजिंग दो आर यूजिंग ओके तो अब ये सारी बातें सुनकर मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया जो कि शायद मुझे पहले पूछना चाहिए था बट मैं आप पूछ रही हूँ कि जब हम ये मोर्गेज का कोर्स कर रहे हैं थोड़ा सा आइडिया दो कि क्या क्या पढ़ाई होती है उसमें क्या पढ़ना पड़ता है क्या सिखाते हैं एक नटशल में अगर आप छोटा सा कोर्स गाइडलाइन बता दें दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जब आप ये मोर्गेज एजेंट का कोर्स करते हैं देर आर सो मेनी थिंग्स विच लर्न सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि रेगुलेशन है क्या एफ क्या है फिर ये मोर्गेज कोर्स मोर्गेज लाइसेंस जो है ये क्यों बना था कब बना था क्यों इनको लगा कि इसकी जरूरत है उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें करियर पाथ क्या है आप स्टार्ट करते हैं एज अ मॉर्गेज एजेंट लेटर ऑन विद द एक्सपीरियंस आप मॉर्गेज ब्रोकर बनते हैं यू हैव अनदर ऑप्शन आप अंडर राइटिंग में जा सकते हैं देर इज अनदर ऑप्शन आफ्टर यू बिकम द मॉर्गेज ब्रोकर यू माइट लाइक टू स्टार्ट योर ओन ब्रोकरेज फॉर्म आप वो भी कर सकते हैं एंड देर इज अनदर टर्म कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रोकर जो कि क्वालिटी कंप्लायंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर पाथ तो उस कोर्स में आप लर्न करोगे कि वो करियर पाथ क्या है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके अलावा उस कोर्स में आप लर्न करोगे कि करोगेगेजेस जो बैंक्स आपको uh, लेने के लिए बैंक्स को किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं क्या कंप्लायस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं आपको जो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उनको आप किस तरीके से चेक करते हो कैसे वेरीफाई करते हो सो so दैट जब वो डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को सबमिट करा रहे हो दोज आर ऑलरेडी टेस्टेड ऑलरेडी वेरीफाइड बाई यू ओके तो अब अगर हमने एक मोर्गेज ब्रोकरेज फॉर्म फाइनल कर दी अपने लिए तो अब आगे क्या स्टेप है वट दैट ब्रोकरेज फॉर्म ड्रास्ट तो जो मोर्गेज ब्रोकरेज फॉर्म है वो आपके बिहाफ पे एफ एस आर ए से आपका लाइसेंस अप्लाई करेगी F तो मतलब आप मोर्गेज ब्रोकरेज फॉर्म के बिना एजेंट का लाइसेंस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। okay, आपसे हाँ वो, तो आप right. तो okay. वो जो फीस एफ एस आर ए को जाती है एंड अ फिक्स फी वो आपका एनुअल फी रहती है जो की हर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च के बाद दोबारा आपको पे करनी होती है

एंड कुछ ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं जो आपसे मंथली फी प्लस कमीशन चार्ज करते हैं एंड देर आर सम ब्रोकरेज फर्म्स जो आपसे कोई मंथली फी चार्ज नहीं करते बट कमीशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन लेते हैं सो mm -hmm. so, ये जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हो जब आप अपनी मोर्गेज फॉर्म फाइनलाइज कर रहे हो उस टाइम ये सब चीजें आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो मुझे एक बात बताओ कि लोग बैंक को डायरेक्टली भी तो अप्रोच कर सकते हैं मॉर्गेज कराने के लिए तो ये मॉर्गेज एजेंट्स की जरूरत ही क्या है मीन्स पीपल शुड कम टू टू यू एंड नॉट गो द बैंक डायरेक्टली आर इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ मॉर्गेज मॉर्गेज जब आप एक ब्रोकरेज फॉर्म के थ्रू काम करते हैं या एक मॉर्गेज एजेंट के थ्रू काम करते हैं बिकॉज वी आर क्वालिफाइड वी आर ट्रेन टू चेक द डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स टू हैंडल द कंप्लायंस तो आपकी फाइल किसी बैंक में जाए उससे पहले हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उस बैंक की रिक्वायरमेंट्स पे बिल्कुल खरे उतरते हैं अगर से आपने अपनी फाइल डायरेक्टली बैंक में सबमिट कराई है कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है आपकी मॉर्गेज रिजेक्ट हो सकती है और एक जगह से मॉर्गेज रिजेक्ट हुई आपको दूसरी जगह फाइल लेके जानी पड़ेगी अगेन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग मॉर्गेज एजेंट्स दे मेक श्योर कि आपकी फाइल पहले चेक करके सिर्फ उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स में सबमिट कराएं जहां के लिए आप एलिजिबल है जहां पे उनको पता है कि आपको मॉर्गेज मिल जाएगी एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मोर्गेज ब्रोकर होते हैं या मोर्गेज एजेंट होते हैं वो आपके लिए काम करते हैं इसका मतलब वो आपके बिहाफ पर सभी बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नेगोसिएशन करेंगे जो आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो बट हमें पता होती है सो वी कैन नेगोशियट ऑन योर बिहाट द बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू सो यू कैन बी आप मोर्गेज एजेंट के बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गेट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट फॉर यू और मोर्गेज में रिजेक्शन के भी बैंक से चांसेस बिकॉज ऑफ इनकम डॉक्यूमेंटेशन थोड़े कम होते हैं तो अब आपको ये पता चल गया कि मोर्गेज एजेंट का लाइसेंस क्यों लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए कौन सी ब्रोकरेज फॉर्म ज्वाइन करनी चाहिए अब सब हो गया अब फॉर एग्जाम्पल एक न्यू इमिग्रेंट इसी करियर पाथ को चुनता है एंड वाई ओनली न्यू इमिग्रेंट्स जो लोग कैनेडा में ऑलरेडी हैं और अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं ये एक ऑल्टरनेट पैसिव इनकम अपनी डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए भी इट्स अ वेरी गुड लाइन तो अब बताओ कि लीड्स कैसे जनरेट करें क्लाइंट्स कैसे बनाएं बन गए मोर्गेज एजेंट लाइसेंस भी ले लिया ब्रोकरेज फार्म को भी ज्वाइन कर लिया अब पैसा कैसे कमाना है ये बताओ ओके इजी वे तो आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया उसके थ्रू अगर आप अपने आप को प्रमोट करते हैं तो यू विल रीच टू मैनी पीपल उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपकी एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिकली चलती ही रहती है आपने दस लोगों को बताया वो दस लोग आगे दस लोगों को बताते हैं सो दैट इज वन वे सेकेंड थिंग जो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में वो है कि आप रियल्टर्स के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाकर रखते हैं इन केस इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ रियल्टर जिनको आप जानते हैं आप उनसे मिलते रहते हैं अब उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं जो घर लेने के लिए आते हैं डेफिनेटली उनको मॉर्गेज भी चाहिए ही चाहिए है सो so, वो रियल इस्टेट एजेंट्स जो हैं वो आपको वो क्लाइंट्स रेफर करते हैं मॉर्गेज बिजनेस के लिए एंड सिमिलरली जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है मॉर्गेज के लिए इन केस इफ दे हैव नॉट फाइनलाइज एनी रियल्टर येट यू कैन रेफर दोज पीपल टू द रियल इस्टेट एजेंट्स सो दिस इज हाउ यू पीपल वर्क टूगैदर टू मेक श्योर दैट यू हैव बिजनेस फॉर ईच अदर्स ओके okay. इसमें फुल टाइम जॉब्स भी हैं या सिर्फ आप अपने बिजनेस की तरह ही इसको इस बिजनेस लाइन को ऑपरेट कर सकते हैं यू हैव बोथ ऑप्शंस नॉर्मली जो जो मॉर्गेज एजेंट का रोल रहता है वो पार्ट uh, टाइम भी होता है एंड फुल टाइम भी होता है मेनली कमीशन बेस्ड होता है मेनली कमीशन बेस्ड होता है देर आर मेनी बैंक जो आपको सैलरी पे भी इम्प्लॉय करते हैं बट दे आस्ट फॉर सम एक्सपीरियंस सो इनिशियली जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको फुल टाइम सैलरीड ऑप्शन शायद ना मिले बट यू हैव दिन टू वर्क फुल टाइम और पार्ट टाइम इन एनी मोर्गेज ब्रोकरेज फॉर्म वहां पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा यू हैव दिन टू अप्लाई इन बैंक एज वेल तो जहां तक मुझे फोन में आता है वो ये है कि इफ यू आर सेल्स प्रोफेशनल बैक फ्रॉम योर कंट्री और आप बैंक में जॉब कर रहे हैं या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या किसी भी तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहे हैं मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और अगर आप कैनेडा में लैंड कर रहे हैं तो दैट कुड बी अ गुड करियर ऑप्शन फॉर यू फर्स्ट थिंग सेकेंड जो लोग कैनेडा में ऑलरेडी हैं जैसे हम लोगों की फुल टाइम जॉब्स हैं अपनी एशियर में तो जो लोग कैनेडा में अपनी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं कैनेडा में वेल सेटल्ड है वो भी इसको अपने सेकेंड करियर की तरह ऑप्ट कर सकते हैं और न्यू इमिग्रेंट्स इसको अपनी फुल टाइम जॉब की तरह फुल टाइम करियर की तरह भी देख सकते हैं और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ साथ भी इस करियर को बना सकते हैं इट्स जस्ट दैट यू विल नॉट बी सोर्स राइट राइट तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर आपके इस वीडियो को लेकर इस कोर्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस है और आप हमें डायरेक्टली रीच आउट करना चाहते हैं तो मैं अमित का ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप हमें इंस्टा पे तो कनेक्ट कर ही सकते हैं हमारे इंस्टा आईडीज स्क्रीन पर है हमें इंस्टा पे कनेक्ट कीजिए ईमेल कीजिए कनेक्ट कीजिए एंड हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए टेक केयर बाय बाय टेक केयर गाइस बाय